गाइस, जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक हॉरर गेम खेला था, जिस गेम के अंदर एक बहुत खतरनाक मैनियक है और उसने मैं पकड़कर अपनी अंडरग्राउंड डस्टी बेसमेंट में बंद कर दिया है। फिलहाल अभी मुझे वहां से बाहर निकलना है। लास्ट टाइम तो मैं नहीं निकल पाया था क्योंकि उस बेसमेंट में बहुत सारे लॉक्स हैं, बहुत सारे ट्रैप्स हैं और सबसे खतरनाक बात, वो मैनियक बहुत ज्यादा डेंजरस है। और उस वीडियो में आप लोग के भर के कमेंट्स आ रखे हैं पार्ट टू। बस यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं मेटल हॉरर एस्केप। तो गाइस देखो, यही है वो डेंजरस रूम जहां पर मुझे उस मैनियक ने बंद कर रखा है और ये है उसकी अंडरग्राउंड डेंजरस डस्टी बेसमेंट जहां से मुझे अभी बाहर निकलना है। फिलहाल बाहर निकलने का गेट वो देखो सामने ही है, बट वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे वो तो मुझे खुद नहीं मालूम। फिलहाल लास्ट टाइम बहुत पापड़ बेले थे तब भी मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाया था। फिलहाल हाँ, लास्ट टाइम हमने सबसे पहले यहां से एक लॉक पिक ली थी। इस गेट से बाहर निकलने के लिए भी बहुत सीन है। यहां पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स से गाइस मुझे वाला कटर लेना है और साथ के साथ ना चीजें मेरे को वैसी कर देनी है जैसे पहले थी, क्योंकि अगर कोई भी आवाज होती है, शोर होता है, तो वो जो बंदा है ना, मींस जो मैनियक है, सामने वाला रूम उसी का है, वो बाहर निकल कर आएगा और वो चेक करेगा कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसे मालूम पड़ जाएगा हम लोग बाहर आए थे। फिलहाल ये वाला गेट को मेरे को काटना है, इसके अंदर जो बाहर का स्क्रू है, और काटने के बाद मैं इस गेट को ओपन कर सकता हूं। तो यहां पर ना गाइस एक अंदर लॉकर होता है, उस लॉकर का कोड लास्ट टाइम मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद से 451 था, तो इस बार भी मैं ट्राई करता हूं, क्या पता 451 ही हो। अगर नहीं पता होगा तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ का जो नल है इसे ओपन करना है, फिर वो अपना गेट खोल के बाहर आएगा। वैसे 451 मैंने डाला है और आई थिंक ये खुल चुका है, लेट्स गो, कोड वही था। चलो अपना इतना काम तो हो चुका है, इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ। इस बाथरूम से बाहर निकलते हैं, गेट बंद करते हैं, लॉक लगाते हैं और ये लाइट बंद कर देते हैं। सब कुछ मैंने पहले जैसा कर दिया, इस बार ना गाइस मैं यहाँ से एस्केप करके ही रहूंगा। और हाँ गाइस, अगर मैं इस खतरनाक मैनियक के घर से एस्केप कर देता हूँ तो आप लोग को सब्सक्राइब का बटन दबाना है। वैसे दबा तो मैं 100% एस्केप करने वाला हूँ। नहीं यार, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, वो बहुत डेंजरस है, बट हाँ यार अगर कर दूं तो दबा देना। वैसे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मैं एस्केप कर सकता हूँ, क्योंकि काफी सारी चीजें मुझे पता है लास्ट टाइम मैंने क्या क्या गलती करी थी और क्या क्या चीजें हैं जो कि मैनियक को पता चल जाती है, इसलिए इस बार मैं कम से कम गलतियां करने वाला हूँ। तो यहाँ से हमें एक लीवर आर्म मिलता है जिसका मुझे यूज नहीं पता, और फ्रिज में एक की थी तो इस बार भी होनी चाहिए। लेट्स गो, इस बार भी की पड़ी है, हमें इस बर्फ को भी तोड़ना है। और वैसे तो यार पहले मैं फ्रिज को वापस बंद कर दूं, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी भाई, वो बहुत डेंजरस बंदा है, इसके अंदर एक फ्यूज होना चाहिए। वैसे जहां तक है सारी चीजें वहीं पर है जहां पर लास्ट टाइम थी, तो ओके, यानी कि हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ की चाबी मेरे को फ्रिज से मिली है, ये लगा कि मैंने वाला गेट खोला। अब चलते हैं सीधा सामने, यहाँ पर ना गाइस एक लॉकर होता है, वैसे ही वाला जो फ्यूज बॉक्स है ना गाइस, मुझे ये लगाना है यहाँ पर, बट इसको खोलने के लिए इसके अंदर भी एक की लगेगी, जो कि की मेरे को दूसरे रूम से मिलने वाली है। फिलहाल मुझे ना पहले इसको हटाना, शोर हो सकता है शायद से। ये देखो ऊपर ये जो लगा हुआ है ना, ये बर्फ तोड़ने के लिए काम आएगा। फॉक गाइस, और ये क्रोबार है, लेट्स गो, मेरे को क्रोबार और फॉक यहाँ से मिल चुका है। इस लॉकर को मैं वापस बंद करता हूँ ताकि मैनियक को कुछ भी पता ना चले, और सब कुछ जो जो जैसा था सेम टू सेम पहले जैसा करके गाइस मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा वापस, वरना वो बाहर आने वाला है। बंद हो भाई गेट, ये चीज मेरे को बहुत डेंजरस लगती है भाई इन हॉरर गेम में, कोई भी चीज अगर टाइम पे ना हो। फिलहाल इसको भी मैंने बंद कर दिया, कुछ रह तो नहीं गया था ना, क्योंकि अगर कोई भी चीज थोड़ी बहुत भी इधर उधर हो जाएगी तो मैनियक को सब मालूम पड़ जाता है। वैसे नहीं, अब मैं पहले की तरह नहीं खेलूंगा भाई। ये देखो गाइस, वैसे कोड 451 ही था, उसके गेट पे भी लिखा हुआ है, वैसे चेंज नहीं होगा मेरे हिसाब से। पिछली बार भी 451 था, इस बार भी 451 है। और ये मैनियक इस वाले रूम में क्यों कर सीधा इस रूम में आया, इस बारी शक क्यों हो रहा है इसे? ये हमेशा ऐसी करता है वैसे। ओके, समवन वाज हियर, ना ना कोई नहीं है, मैं इधर चुपचाप बैठा हुआ था, मैं बाहर निकला ही नहीं हूं घोचू। ओके, माय माइंड इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी, लेट्स गो, इसको लग रहा है इसके माइंड ट्रिक्स खेल रहा है इसके साथ। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसको इसके रूम में हम लोग वापस जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग अपने आगे का काम करेंगे। अभी ये जो हमें फॉक मिला है ना गाइस, इससे हमें दूसरा लॉकर खोलना है, उससे हमें सीजर मिलनी चाहिए जहां तक मुझे पता है, क्योंकि सारी चीजें उसी जगह पर है जहां पर लास्ट टाइम थी, इसलिए मुझे कुछ भी ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये फॉक हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने खोला और इसके अंदर से हमें मिल गई है सीजर। सीजर से गाइस हमें ये तो पहले मैं गेट बंद कर दूं भाई, कुछ भी भाई चेंज नहीं करना है, हमें ये वाले जो गेट में रस्सी बंधी है इसको काट के खोलना है। ये वाला गेट भी खुल गया और यहाँ से गाइस हमें मिलने वाली है एक की, तो ये वाली एक सेकेंड बंद हो, तो ये की मेरे को लेनी है। और गाइस ये देखो, यहाँ पर ना 24 वोट हमें इसे पावर देनी होती है,
तो ये जो इसका कैलकुलेशन है मैंने लास्ट टाइम करा था, टोटल 24 ही बनता है, बट अभी भी ये ऑन नहीं होगा। इसको ऑन करने के लिए, इसको मतलब ऑन करने के लिए, एक सेकेंड, पहले मुझे ये वाटर बकेट की जरूरत है। इसको गाइस ऑन करेंगे ना तो ये जो चीज़ है ना शायद से ये ऊपर जाएगी, इतना मेरे को पता चल गया। लास्ट टाइम मुझे नहीं मालूम था। वाला गेट बंद हो जा भाई प्लीज, मेरे को मरवाएगा क्या तू मैनिएक से? पहले तो इसके अंदर से मैं ये बर्फ निकाल लेता हूँ, क्योंकि जो बर्फ है ना इसने इसके अंदर चाबी छुपा के रखी है, और इसको पिघलाने के लिए मुझे ओवन का यूज करना है। इसको डाला, इसे बंद करा, एंड ये वाला भी मैं बटन प्रेस कर देता हूँ, लेट्स गो। अभी ये ओवन स्टार्ट हो चुका है, और फटाफट से गाइस ये वाला गेट बंद कर देता हूँ। कुछ भी पहले जैसा, मतलब कि कुछ भी इधर उधर हिला तो नहीं है ना, सब कुछ ओके है, क्योंकि ओवन ना गाइस अभी जब पूरा उसे पिघला देगा ना, ये देखो ओवन बीप बीप अपनी करने लग गए टी टी करके, और उसको लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है। मैं चुपचाप अंदर आकर बैठ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके गाइस टाइम हो चुका है, मैनिएक बाहर भी आ चुका है, और ये इसको लग रहा है कि बाथरूम से आवाज आ रही थी। वाह भाई वाह, बहुत बहुत बढ़िया प्रदर्शन। मैं बाथरूम में गया ही नहीं था, मुझे कोई टेंशन नहीं है, वापस जा यार, इतना दिमाग खराब है, तेरे को मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ओके गाइस अभी फिलहाल वो वापस से अंदर जा चुका है, हम लोग वापस से बाहर निकलते हैं। मैं इसकी पूरी स्ट्रेटजी समझ चुका हूँ, ये किस तरीके की आवाज सुन लेता है और किस तरीके से बाहर आता है, और हमें कितना टाइम मिलता है अंदर जाने के लिए। फिलहाल इसके अंदर से गाइस अभी एक की मिल चुकी है, जहां तक मुझे लगता है ना गाइस ये जो की है ये या तो उसके कमरे में भी ना गाइस एक लॉकर होता है वहां पर यूज होगी, या फिर कहीं ना कहीं लॉकर में ही ये वाली जो की यूज होने वाली है। फिलहाल अभी ये जो दूसरी वाली की है ना इसको मैं यहां पर यूज करता हूं। ये मैंने इसका लॉक ओपन करा, फटाफट से इसे ओपन करते हैं, फ्यूज मैंने यहां पर लगा दिया। अभी जो वाला रूम है ना लीवर स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी भी हम लोग उसे पुल नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पुल करने के लिए ना गाइस हमें यहां पर ऑयल लाकर डालना पड़ेगा। ये जो आप वेल देख पा रहे हो ना पूरा रस्टी है, तो इसको ठीक करने के लिए ना गाइस यहां पर जो ऑयल मतलब की कैन है इसको हमें फिल करना है, और ऑयल कैन उसके रूम में होता है, जो कि हां लास्ट टाइम गाइस हम लोग इसी वजह से फंसे थे, हम लोग उसके रूम से बाहर नहीं आ पाए थे। फिलहाल उस ऑयल कैन को लेने के लिए ना मुझे इस वाटर बकेट में पानी भरना है, तो सबसे पहले हम लोग इस मोटर को ऑन करते हैं, और यहाँ पर ही मैंने चलाया नल, और ये वाली वाटर बकेट मैंने पानी भर दिया। नल को हम लोग वापस से बंद कर देते हैं, और ये वाली लाइट भी मैं बंद कर देता हूँ, ये वाला गेट भी बंद कर देते हैं। उधर वाले रूम में तो कुछ ओपन नहीं था ना, अरे भैंस की सारे गेट मैंने ओपन छोड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेट्स गो। ओवन का तो वो ओपन नहीं था ना, ठीक है 9 सेकंड है, मैं घुस जाऊंगा, अंदर घुस जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मैं ट्रैप में फंसता ना तो मैं फंस जाता। लेट्स गो, मैं आ चुका हूँ सेफ। वो जो मोटर की आवाज़ थी ना वो उसने सुन ली, अपने कंप्रेसर को बोल रहा भाई वो, कि क्या कंप्रेसर है भाई, एक बार बार खराब हो जाता है। ओके, तो जब ये बाहर निकलता है ना गाइस हम लोग इसके रूम में जा सकते हैं, और उसके रूम में जाकर वो जो ऑयल है ना वहां से मुझे ऑयल भरना है। इतना सब कुछ मैंने लास्ट टाइम कर दिया था, और उस ऑयल को रस्टी वेल्व पे डालने के बाद वो काम करेगा, बट हम लोग यही काम नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब मैं ऑयल भर के उसके रूम से बाहर निकल रहा था ना भाई, वो बाथरूम में चेक करने के बाद दूसरे रूम में भी चेक करने आया है। यहाँ कोई गड़बड़ है क्या? पहली बार ऐसा हो रहा है ये दो रूम में। ओ शिट गाइस, वो देखो मैंने वो ओपन छोड़ दिया, ये मारेगा मेरे को, बहुत गंदा मारेगा यार। वो जहां पर वेल था मैंने उसको ओपन छोड़ दिया, मैंने करा था यार, बट कोई नहीं, ये हमें जा सकता गैस ही कर सकता है, परेशानी होगी। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी इसने हमें लपेटा तो बहुत गंदे वाला है, बट अच्छी बात यह है कि हमारा सारा सामान हमारे पास है, हमारे पास अभी भी दो चांस है। लॉक्ड अप, अच्छा मैं इस लॉक पिक से तो ऑन कर सकता हूँ ना, ठीक है अभी लॉक पिक से वाला, ये दोबारा से लग रहा है लॉक कर देता है इसको, बट हम लोग लॉक पिक से खोल लेते हैं। तो भी फटाफट गाइस हम लोग इस वाले रूम में चलते हैं, मेरा सारा काम हो चुका है, बस मेरे को ऑयल भरना है इसमें। ये देखो ये जो चीज़ है ना मैंने लास्ट टाइम ये ओपन छोड़ दी थी यार जल्दबाजी में, कोई नहीं, यहाँ पर मैंने डाला वाटर सबसे पहले, ये आ चुका है ऑयल कैन ऊपर। अभी इसको हम लोग बंद कर देते हैं, इस बारी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि फिर अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा भाई इससे बच के निकलने का। अब ये ऑयल कैन को मुझे इसके रूम से भरना है, और इसको ना पहले बाहर निकालना पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेकंड है, और हमें 6 सेकंड में उसके रूम में जो ऑयल है इसे भर के वापस भी निकलना है। ये मोटर मैं ऑन करता हूँ, वो इस मोटर को बंद करने इधर आएगा, लाइट भी बंद कर दो, लाइट बंद होगी ना, ठीक है। अभी फटाफट से गाइस हम लोग अपने रूम में चलते हैं, जैसे ही वो बाहर आएगा हम लोग इस ऑयल कैन को उसके रूम से भर के वापस आ जाएंगे। बहुत तेज करना होगा, ओके 3, 2, 1। अब वो बाहर आने वाला है, और मेरे पास सिर्फ 6 सेकंड है, मुझे ये अच्छे से याद रखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो जा चुका है सीधा बाथरूम में, फटाफट 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 जल्दी से इसको मैंने भर लिया। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भाई, प्लीज 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 इसको बंद कर दो, बंद हो जा गेट भाई। भाई साहब वैसे नहीं, अभी भी मेरे पास 2-3 सेकंड थे, मैंने बहुत ज़्यादा ही तेज कर दिया, मतलब मैंने 4 सेकंड लिए, मेरे को लग रहा था 6 सेकंड में हो जाना चाहिए। अब मालूम तो नहीं पड़ेगा, ये फिर दूसरे रूम में जा रहा है भाई। भाई जब भी ये दूसरे रूम में जाता है इसका मतलब है कोई ना कोई वहाँ पर मिस्टेक है। नहीं यार इस बार मैंने कुछ भी मिस्टेक नहीं करी भाई, मैंने उसको बंद भी करा है, कुछ और तो सीन नहीं है ना यार। अब कुछ नहीं है, ये तेरा माइंड खराब है पूरा एकदम ही। लेट्स गो, जान में जान है भाई।
बच गए इस बारी। अब इस ऑयल को ले जाकर हमें उस रस्टी वेल्व पे डालना है। उसके बाद क्या होने वाला है भाई मुझे अच्छे से नहीं मालूम। मेरे को इतना पता है कि इसके रूम में ना एक लॉकर है, जो लॉकर में शायद से कोई कोड डलना है। उसके अंदर की तो नहीं लगेगी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ट्राई करा था तो उसके अंदर लॉक लगा हुआ था। फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं यहाँ पर और इस वाले रूम में सबसे पहले चलता हूँ। इस पर अभी हम लोग डालते हैं इस ऑयल को और देखते हैं अभी ये जो रस्टी वेल्व है काम करता है या फिर नहीं। क्या पता, ओ डल गया इसी के ऊपर डल गया। अब इस रस्टी वेल्व को घुमाते हैं, लेट्स गो। मेरे हिसाब से गाइस अभी वो वाला जो लीवर है ना वो काम कर जाना चाहिए क्योंकि सब कुछ एकदम डन हो चुका है। फटाफट से हम लोग इस वाले रूम को खोलते हैं और पावर एकदम ओके है ना। हाँ, सारी लाइट्स चल रही है, पावर भी पूरी 24 की गई हुई है। यहाँ से इसको बंद करो प्लीज लीवर, इस बारी चल जाए। ओ भाई चल गया भाई। बट अंदर से वो भी आ रहा है यार, एक सेकंड। इस गेट को बंद करो, उसको पता चल गया कि वहां पर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। मैं सारे गेट बंद कर देता हूँ, कुछ रहा तो नहीं था ना भाई। आवाज बहुत ज्यादा हो रही है वहां से, मैं मरूंगा इस बारी। अगर वो उस वाले रूम में चला गया ना मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा भाई, सही बता रहा हूँ। ओके गाइस, अभी फिलहाल वो अपने रूम से बाहर आ चुका है और वो डायरेक्टली उसी जगह पर जा रहा है जहाँ से आवाज आई थी। अगर वो उस अंदर वाले रूम में चला गया ना मैं फंस जाऊंगा भाई। मैंने कुछ उधर तो मैंने कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं करी है, ये खाली पीली की एक्टिंग कर रहा है। Someone was here. Ooh, let's go. दोबारा से दिल को शांति मिली भाई। ये अलग ही है तो पूरा इंसान ही, बट इसका रहन सहन एकदम ही अलग है यार। ओके, फिलहाल अभी वापस तो वो अपने रूम में जा चुका है। अभी गाइस थोड़ी सी शांति हमें मिल गई है, अब फटाफट से उस वाले रूम में चलते हैं। वहां से ना गाइस एक लॉकर आया है, हमें शायद से उस लॉकर को ओपन करना है। ये वाला इस की से ओपन हो जाना चाहिए, क्या पता ये वाली केस के अंदर लगती है। ओ इसी के अंदर लगती थी की, और उसके अंदर से सोल्यूशन की कोई बोतल मिला है। ये कौन सा बोतल है भाई, एक सेकेंड, ये बोतल कहाँ पे यूज होने वाला है भाई, मुझे ये सच्ची में बिल्कुल नहीं मालूम। यहाँ पर कुछ प्लेट वगैरह पड़ी है, इन सब चीज़ों का तो यूज़ भाई बिल्कुल भी नहीं है। लैपटॉप पे तो नहीं यूज़ होगा कुछ, जो जो चीज़ें काम करती है ना उसका कहीं ना कहीं तो यूज़ होता है। फिलहाल ये लैपटॉप में भी यूज़ नहीं हो रहा है, इसका लैपटॉप तो यार किसी काम का भी नहीं है। यार ये वाली बोतल तो यहाँ पर भी पड़ी हुई थी काफ़ी सारी, यहीं से मैं ले लेता। शायद ये खाली है। इस पेपर पे क्या लिखा है, कोई अलग लैंग्वेज लिखी हुई है बट क्या है ये। शायद से इस पेपर पे इस बोतल का यूज लिखा हुआ है बट लैंग्वेज ये कोई और है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अगर वैसे लैंग्वेज कोई और है तो फिर मेरे हिसाब से इसका यूज भी नहीं होगा क्योंकि गेम पूरा इंग्लिश में है और क्ल्यू दूसरी लैंग्वेज में होंगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर भी एक पेपर था, बाय इनविजिबल इंक थ्रू आउट द ट्रैश सेट एन अलार्म पुट द की कार्ड इन सेफ। इतना तो मुझे पता। ओ भाई वो देखो उसके रूम में जो सेफ है वहां पर की कार्ड है, सेट एन अलार्म नहीं पता चला, बाय इनविजिबल इंक। इनविजिबल इंक, ओ एक सेकेंड, यहाँ पर गाइस आपको याद है एक पेपर मेरे को मिला था, ये इंक उस पेपर पे तो नहीं यूज होना। वैसा हो सकता है यार, बट अब वो पेपर इधर होगा कि नहीं, नहीं है यार, इसी के अंदर वो पेपर था शायद से। एक मिनट, नहीं 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 यहाँ पर है तो पेपर, इस पे यूज करते हैं शायद से, होगी क्या। ओ गाइस यहाँ से हमें कोड मिला 2861। अच्छा अभी मैं सीन समझ चुका हूँ गाइस, अभी ना हमें इसके रूम में घुसना है और इसके सेफ से वो की कार्ड लेकर यहाँ से निकलना है। भाई 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 बहुत गलत सीन है। अभी फटाफट से, नहीं नहीं पहले मेरे को इसे बाहर तो निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे उसके रूम में जाने के लिए उसे बाहर करना पड़ेगा। ये वाला जल्दी से मैं ये ओपन करता हूँ फटाफट से। गाइस पहले यहाँ की लाइट जलाते हैं। भाई भाई अभी मेरे को सीन समझ आ गया, मतलब उसके सेफ में की कार्ड है और वो जो गेट है ना वहाँ पर वो की कार्ड ही लगना है। फटाफट से हम लोग इस वाले रूम में चलते हैं, उसके बाहर आने का इंतजार करते हैं। ओके तो जब वो बाथरूम, ओ मैंने लाइट जली छोड़ दी, मैं गया। भाई 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 लाइट बंद करके आनी है। अरे नहीं 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 मरना नहीं है, लाइट बंद, भागो भागो भागो। 10 सेकेंड 9 सेकेंड अभी तो भाई मैं मर जाता बहुत गंदा। बंद हो, बच गया। तो गाइस अभी ना मुझे उसको उस बाथरूम में बंद करना है शायद पहले, ऐसा ये लड़की बोल रही है। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल ये मैनियाक यहाँ से बाहर आ चुका है, मुझे सबसे पहले जाकर ना सीधा इसे इस बाथरूम के अंदर लॉक करना है। पहले तो सबसे पहले वाला मैं गेट बंद करता हूँ और इसको मुझे ध्यान से लगा देना। लेट्स गो, लाइट भी बंद कर देते हैं अपनी इत्तेसी में जाए। अब फटाफट से ना गाइस मुझे यहाँ पर कोड डालना है। एक सेकंड, तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ से मैंने कोड डाल दिया है और इसके अंदर से मुझे सेफ कार्ड मिल चुका है और फटाफट से गाइस अभी मुझे इसके घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जल्दी जल्दी जल्दी, अपने पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। गेट इतनी स्लो स्लो के खुल रहे हैं भाई, मेरे को मरना नहीं है इस टाइम बिल्कुल भी। सब कुछ मेरे हिसाब से ओके था, ये वाला गेट भी खुल चुका है। ओ भाई 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 कितनी ज्यादा खतरनाक एग्जिट है और यहाँ पर क्या करना है। ओके अच्छा मुझे इन सबको घुमाना है फटाफट से। एक दो भाई सारे हो चुके हैं, खुल जा भाई प्लीज, लेट्स गो जल्दी जल्दी जल्दी। भाई 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 ओ लेट्स गो गाइस। 14 मिनट्स के अंदर गाइस मैं इस मैनियाक के घर से
बाहर आ चुका हूँ। ओ भाई भाई खतरनाक। तो चलो गाइस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर गाइस मैं एम करता हूँ 800,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और अगर आप इस टाइप की और भी हॉरर गेम्स देखना चाहते हो तो फटाफट से गाइस उन गेम्स के नाम मुझे कमेंट में जरूर बताना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट से गाइस जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे मेरे को सच्ची में लग नहीं रहा था मैं पार कर दूंगा, मुझे लग रहा था एंड में कोई ना कोई दिक्कत आएगी क्योंकि वो पेपर वाला सीन मेरे को पता ही नहीं था, बट झटके से दिमाग में आया और वही होना था। और हाँ यार, जिसने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं करा है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाकर फॉलो कर लो। और मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।